अगर 1% 2% ये मान लिया जाएगा उनको कोटे में कोटा मिल जाएगा, क्या होगा? ये होगा NFS होंगी सीटें, और ये सारी की सारी सीटें जनरल कोटे में चली जाएंगी। जब सब मिल करके आज चाहे जिसमें चमार है, जाटव है, महार है, पासवान है, जो बड़ी जातियां हैं, ये मिल करके पूरा नहीं कर पा रही हैं, अब भी NFS हो रहा है, तो क्या गारंटी है कि अगर वाल्मीकि को 2 सीट दे दी जाएंगी तो NFS नहीं होगा? तो ये RSS के जो दफ्तर में लोग चाय पी करके आए हैं वाल्मीकि समाज के, वो लोग खुश हो रहे हैं। होने दो, होना कुछ नहीं है, ये तय है, क्योंकि इस आदेश को लागू करना अपने आप में बड़ा काम है। ये फैसला वापस होगा 101% होगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कौन क्रीमी लेयर में है, कौन क्रीमी लेयर में नहीं है। ये ना समझी है, जब वो हमारे साथ रह करके सारे का सारा 100% उनका, सारे का सारा 100% हमारा सबका है, जब वो लोग अपना हमारे साथ नहीं चल पा रहे हैं, उनको RSS की शाखाओं में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको बजरंग दल की शाखाओं में जाने से फुर्सत नहीं है, उनको BJP की सरकार बनाने से फुर्सत नहीं है, वो लोग वो हर काम कर रहे हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी था, और बाद में फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो साहब जो है वो बड़े अम्बेडकरवादी हैं, अब हमें भी आरक्षण कोटे में कोटा चाहिए। आपातकाल का समय उनको ऐसा क्यों लगा, आप कहाँ से समझ पा रहे हैं? यह आपातकाल ही है, यही आपातकाल है। जब आरक्षण खत्म, संविधान जला दिया जाए, संविधान को बदलने की बात की जा रही हो, एक बड़े वर्ग को उपेक्षित करने की कोशिश की जा रही हो, तो ये क्या है कि ये आपातकाल है। उनसे ज़्यादा मुखर होकर इस मुद्दे पर कोई बोलता नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, चंद्रशेखर बोले हैं, जो चिराग पासवान बोल रहा है, बहन जी बोल रही हैं, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक दो नेता हैं, जतिन राम मांझी ने समर्थन किया, जिनको वोट किया था अखिलेश यादव से। नहीं, वोट इसलिए थोड़ी किया था, वोट तो उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि इंडिया गठबंधन को वोट करना पड़ा, वो मजबूरी थी। और मैंने तो कहा, मैंने तो अखिलेश यादव को भी बोला है, मैंने तो सबको लोगों को बोला है, मैंने कहा ये वो समाज है, खासतौर से जाटव चमार महार पासवान जो अम्बेडकरवादी समाज है, ये वो समाज है जिसने अम्बेडकर के कहने पर 3000 साल पुराने देवता फेंक दिए निकाल के, ये वो समाज है जिसने काशीराम जी के कहने पर कांग्रेस फेंक दी, और ये वो समाज है जिसने 40 साल पुरानी मायावती छोड़ दी, और मैं कहा तुमको तो पहली बार वोट दिया, तुम्हें तो कब फेंक देगा ये पता ही नहीं है। तो ये बड़ा बुद्धिजीवी समाज है अम्बेडकरवादी जो समाज है, इससे पंगा ना ही लो तो ज़्यादा ठीक है। और जो हमारे लोग हैं नासमझ लोग, मैं तो नासमझ ही कहूँगा, जो मिठाई बांट रहे हैं कि अब हमको क्या नाम है साहब IAS और PCS बनने का मौका मिलेगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि यहाँ से लेकर के और 10 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर 1000 रुपये रखे हैं, और कहा गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि ये 1000 रुपये तुम्हारे हिस्से के रखे हैं, इन इन लोगों के हिस्से के हैं, अपना जाओ, यहाँ से वहाँ तक जाने का एक क्राइटेरिया है, कैसे जाओगे कैसे नहीं जाओगे, वहाँ पहुँचो वो आपको मिलेगा। जब लोग वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं तो फिर रिजर्वेशन मिलेगा कैसे? आपको पुलिस में जाना है तो इंटर या MBA चाहिए, आपको जिस पद पर जाना है उसके लिए क्वालिटी तो चाहिए, लेकिन जब कुछ ऐसा होगा ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। VP मौर्य साहब ने एक बड़ा आंदोलन किया था, और बड़े आंदोलन का ये हुआ कि VP मौर्य जी के बड़े आंदोलन के बाद में लगभग 10 वर्ष ये आंदोलन चला, लाखों लोग जेल गए, लाख कई हजार महिलाएँ जेल गईं, कई बहुत सारी महिलाओं के बच्चे जेल में पैदा हुए। उसके बाद में 2 अप्रैल 1967 को ये मूर्ति वहाँ पर लगी, और उस मूर्ति को लगाने का मैं कहा जो खर्चा था वो समाज ने दिया, उस मूर्ति को समाज ने अपने पैसे से लगाया। तो सरकार ने किसको विश्वास में लिया है, मोदी ने किसको विश्वास में लिया? विश्वास में तो किसी को लिया नहीं, जब विश्वास में नहीं लिया तो फिर किस आधार पर वहाँ से मूर्ति हटाई गई है, ये बड़ा प्रश्न है। लोगों को बुलाते पूछते कि भाई हम इस मूर्ति को यहाँ के बजाय वहाँ लगाना चाहते हैं, तब शायद हो सकता है कि कुछ इसमें फेरबदल किया जा सकता है। कैसे देख पा रहे हैं ये आंदोलन को, क्या ये सफल होगा, क्या मूर्ति पुनर्स्थापित हो पाएगी, अगर नहीं हुई तो क्या स्टैंड आपको देख रहे हैं? मंच से बोल दिया गया 14 अक्टूबर 2024 तक मूर्ति वहीं स्थापित हो जाए, अगर नहीं होगी तो फिर आर पार के मूड में लोग हैं, पीछे हटने वाले नहीं। जेल भरो आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, संसद का घेराव हो, जिले लेवल पर घेराव हो, DMO को ज्ञापन दिया सौंपा जाए, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि किसी भी सूरत में समाज पीछे हटने वाला नहीं है। आरक्षण में बंटवारे का भी फैसला आया है, इधर ये भी हटा दिया गया, कैसे देख पा रहे हैं? और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब चुप हैं, अभी कोई समाजवादी पार्टी के जो धर्मेंद्र यादव उन्होंने समर्थन भी कर दिया। धर्मेंद्र यादव या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या जो भी लोग, जिन लोगों ने भी SC ST के जजमेंट पर जो फैसला आया है उसका समर्थन किया है या उसको सही बताया है, मेरा ये कहना है इन तमाम लोगों के लिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं इस पर, कि जो OBC समाज आज तक इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करवा पाया, उसकी लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी है, मंडल कमीशन की लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ी है, आज
तक मंडल कमीशन की सिर्फ 3 मांगे लागू हुई हैं, आज तक उनके यहाँ क्रीमी लेयर है ओबीसी में। तो उनका क्या है कि जैसे उनका सत्यानाश हो रहा है, वो चाहते हैं इनका भी सत्यानाश हो। क्या समझ पा रहे हैं उन्होंने ये धोखा किया है वोट लेके? नहीं देखिए, मैं उस बारे में जाना नहीं चाह रहा। अखिलेश यादव ने क्या, हमने मैंने वीडियो बनाया पीछे अभी, उस पर मैंने बोला है, अखिलेश यादव उनको सीटें मिल गई, अच्छी बात है। कांग्रेस इंडिया का विपक्ष मजबूत हो गया, अच्छी बात है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, अच्छी बात है। लेकिन ये उम्मीद करना कि वो हमारे मुद्दे उठाएंगे, नहीं, हमने तो ट्वीट भी किया है मुखर होके, हम तो लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुप्पी SC ST के जजमेंट पर, आरक्षण के जजमेंट पर इनको भारी पड़ेगी। मैं आज मुखर होकर बोल रहा हूँ, समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन है राहुल नागपाल का, पूरा समर्थन होगा, नहीं जितना भी होगा ये तो इन फ्यूचर है। लेकिन मैं एक अपील, मैं हम सब बिल्कुल मजबूत नींव रखी जाएगी, कहीं ना कहीं हमको जो है वो अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के तरीके से आंदोलन करना है। दूसरा, हम लोगों को उन लोगों को चिन्हित करना जो लोग हिंसा फैलाते हैं, उनको दूर रखना है, उन संगठनों को दूर रखना है, उन लोगों को दूर रखना है। हम चाहते हैं कि आंदोलन हो, भारत बंद हो, बड़े लेवल पर हो, लेकिन हिंसा ना हो, नुकसान ना हो। लेकिन राहुल जी, 2018 में यही संविधान की कॉपी जलाई गई थी जहाँ आप आज बोल रहे हैं। हाँ, तो उसका विरोध हुआ, उसमें FIR हुई, लोग जेल गए, कानून ने अपना काम किया। ऐसा तो नहीं है कि मतलब और कुछ होता उसमें, क्या नहीं हुआ उसमें ये बताइए। 2018 से पीछे पड़ रही है बाबा साहब के पीछे, संविधान के पीछे मोदी सरकार। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, इसी बातचीत के दौरान मैंने कहा कि जिनके दिमाग में मनुस्मृति, दिल में हिंदू राष्ट्र हो, उन लोगों से अगर आप ये उम्मीद करोगे कि ये संविधान की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतांत्रिक ढांचे की बात करेंगे, ये हमारी और आपकी बेईमानी है, मूर्खता है। लेकिन वो तो संविधान को चूमते हैं मोदी जी। भाई साहब, वो एक नंबर का ड्रामेबाज आदमी है, वो तुम्हारे पैर धोके पीता है, वो कहता मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, वो कहता संविधान को बदल, क्या नाम है, संविधान रहेगा। वो उन्होंने संसद भवन के सामने सर झुकाया, संसद बदल दी, उन्होंने अटल और अडवाणी के सामने सर झुकाया, दोनों निपटा दिए। मोदी जी जहाँ जहाँ सर झुकाते हैं वहाँ वहाँ निपटा देते हैं। अब वो ये कारवा कब तक चलेगा दलितों का, क्या एक दिन में सिमट जाएगा, फ्यूचर में रहेगा आंदोलन? मंच से घोषणा की गई है 14 अक्टूबर तक मूर्ति वहीं लग जानी चाहिए, नहीं लगेगी तो आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक मूर्ति नहीं लगेगी। जो वो हैं सांसद SC ST वो नहीं आए एक भी, जबकि कर्मचारी आ गए सरकारी, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं। जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी का डिसीजन तक कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति मंच पर नहीं आएगा, ना किसी को बुलाया गया, अन्यथा 20 सांसद आने को तैयार थे, चंद्रशेखर खुद आने को तैयार थे, राजकुमार राउत खुद आने को तैयार थे, और कई सांसद आने को तैयार थे, लेकिन डिसीजन था कि नेताओं को इस आंदोलन से दूर रखना। जिग्नेश मेहमानी ने कहा कि अगर इस मोदी को सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब से नफरत है तो वो संविधान है, और अगर किसी व्यक्ति से नफरत है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है, और अगर किसी चीज़ से दिक्कत है तो वो संविधान है।